हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग है मेरा वैलेंटाइंस डे का, यानी कि फ्राइडे का। और मैं ये मेरे बेटू को जाना था स्कूल, तो बस उसके स्कूल में आज वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन होने वाला था। तो अभी मैं उसके लिए बना रही हूँ टिफ़िन। तो उसके लिए मैंने एक तवा लिया है, तवे पे मैंने बटर लगा दिया है और मैं इसके ऊपर दो ब्रेड रख दी हैं, क्योंकि मैं एक ब्रेड से बनाऊँगी चीज़ ब्रेड और एक ब्रेड से बनाऊँगी चॉकलेट ब्रेड। तो इसके ऊपर पहले मैंने एक ब्रेड पे थोड़ा सा डाल दिया है सॉस, और सॉस को मैं अच्छे से इवनली स्प्रेड कर दूँगी। और एक साइड मैंने चाय भी रख दी है बनने के लिए। तो मैंने सॉस को अच्छे से ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ग्रेटेड चीज़। तो यहाँ पर मैं मोज़रेला ग्रेटेड चीज़ यूज़ कर रही हूँ, तो वो मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दी है। दूसरी ब्रेड पे मैंने लगाया है हेज़लनट स्प्रेड। ये हेज़लनट स्प्रेड है, चॉकलेट हेज़लनट स्प्रेड। तो इस अभी ये थोड़ा फ्रिज में था, तो ये थोड़ा सा जमा हुआ था, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ढक दिया ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो जो स्प्रेड था वो अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो मैंने उसको अच्छे से ब्रेड पर स्प्रेड कर दिया है। गैस को एकदम मैंने सिंपल रखा है, क्योंकि अभी चीज़ को मेल्ट करना है। तो देखिए चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है और ब्रेड भी अच्छे से सिक चुकी है, और मैं अभी गैस बंद कर दूंगी और थोड़ा सा इसको कड़क होने दूंगी। तो अभी थोड़ा सा ब्रेड थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो हम इसको चार पीस में डिवाइड कर रख देंगे। बाइट साइज़ हम लोग छोटे छोटे से, ताकि बच्चों को आसानी से वो अपने हाथ में पकड़कर इसको खा सकें, क्योंकि वो इतना बड़ा ब्रेड खाएंगे तो वो खा नहीं पाएंगे। तो इसके लिए छोटे छोटे से पीसेज में इसको मैंने डिवाइड कर दिया है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये दो दो ब्रेड खा लेगी क्या मतलब मेरी बेटी, तो नहीं, वो दो ब्रेड तो नहीं खा पाती है, बट थोड़ा सा वैरायटी के लिए एक आध पीस वो इसका खा लेती है, एक आध पीस इसका खा लेती है, जो भी उसको पसंद आए तो वो खा ले। और इसके लिए मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी डाल दी हैं स्ट्रॉबेरीज़। एक स्ट्रॉबेरी को ही मैंने अच्छे चॉप कर दिया पतला पतला और वो उसके ऊपर डाल दिया। और ये थोड़े से गुडी बैग्स हैं, क्योंकि बेटू के स्कूल में होने वाला है वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन, तो उसके लिए मैम ने सिर्फ कार्ड के लिए बोला था, बट मैंने उसके लिए थोड़ा सा गिफ्ट डाल दिए हैं इसके लिए। तो एक गुडी बैग टाइप का बना दिया है, इसमें मैंने एक क्रेयॉन डाल दिया, एक पेंसिल वाला कलर डाल दिया, चॉकलेट्स डाल दी, दो कार्ड डाल दिए, स्टिकर्स डाल दिए। और ये इस प्रकार से गुडी बैग आते हैं पॉलीथिन के, तो इससे मैंने बना लिया है। और इसमें मैंने ये सब डाले हैं क्रेयॉन्स, पेंसिल और कलर पेंसिल, स्टिकर्स और टू टाइप्स के ये कार्ड। ये छोटे छोटे से बच्चों वाले ही कार्ड आते हैं वैलेंटाइंस डे के, कुछ भी ऐसे पेपा पे या फिर कुछ भी। तो ये और ये चॉकलेट्स थी, तो ये सब भी मैंने इसके अंदर डाल दी गुडी बैग के अंदर, और एक ऐसा गुडी बैग बना दिया। तो इस प्रकार से मैंने उसके स्कूल के लिए गुडी बैग बना लिए थे, क्योंकि उसके स्कूल में ये वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन होने वाला है। और उसका प्री स्कूल है, तो ऐसा कुछ खास तो होता नहीं है, बस खेलना ही होता है और उसको ओरल ही कुछ कुछ चीज़ें सिखाते हैं। तो बस स्कूल का हो रहा था टाइम, बेटू का बैग पैक कर दिया है मैंने। तो बेटू के बैग में ही मैं रख दूंगी इन गुडी बैग्स को। और ये दो कार्ड मैंने बेटू की जो मैम है, क्लास टीचर मैम, उनके लिए लाए थे, तो ये भी मैं इसी में ही रख दूंगी।
और उस दिन वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, बारिश हो रही थी, 2-3 दिन पहले से ही बारिश हो रही थी, बहुत ठंडा था, बहुत चिल्ड था। तो पहले मैं सोच रही थी कि मैं बेटू को स्कूल ना भेजूं, बट फिर वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन था तो मैंने सोचा कि वो भी इंजॉय करेगी, तो इसके लिए मैंने उसको भेज दिया था। बट बहुत ठंडा था और वो भी बहुत एक्साइटेड थी, खुश थी, तो सोचा कि चलो भेज देते हैं स्कूल उसको। तो अभी हम बेटू को स्कूल में ड्रॉप कर आए हैं और वहाँ से हमको मिली है ये किट, ये डेंटल किट थी। उसके स्कूल में कुछ डेंटिस्ट वगैरह आए थे बच्चों का चेकअप, मतलब डेंट जो दांतों का चेकअप करने के लिए, तो उसका तो नहीं था उस दिन स्कूल, तो उसको ये डेंटल किट दी थी मैडम ने। तो बस तो उस दिन तो इसमें था एक ब्रश, एक पेस्ट और ये वो दांत में जो, तो और उस कुछ एक कागज़ था जिस पे लिखा था कि टीथ को कैसे क्लीन करना चाहिए। तो उस दिन बेटू का स्कूल नहीं था तो बस तो उसको नहीं पता था कि कैसे करना रहता है बकाया, उस मैडम ने उसके लिए एक ये किट दे दी थी हम लोग को। तो अभी हम आ गए हैं घर और हम मेरी चाय बन गई थी तो मैंने कप में छान ली थी, बट उस बहुत देर हो रही थी तो हम लोग जल्दी जल्दी में स्कूल छोड़ने चले गए थे बेटू को, तो तब नहीं पी पाई थी तो चाय को रख दिया गर्म होने के लिए। और मुझे लग रही थी भूख तो मैंने एक ब्रेड को ऐसे ही बटर लगा के सेक लिया, क्योंकि मुझे चाय के संग ऐसे ब्रेड बहुत अच्छी लगती है। बट यहाँ मुझे जो इंडिया वाली ब्रेड होती है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसको मैं ऐसे ही खा सकती हूँ, बट यहाँ की जो ब्रेड होती है मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आती है, तो मैं उसको ऐसे ही सेक के खा लेती हूँ तो थोड़ा ठीक लगती है। तो चाय बन गई थी तो चाय को छान लिया, और कप आप सोच रहे होंगे कि पुराने कप में छान लिया क्या, नहीं तो ये मैंने पहले छान ली थी चाय, बट स्कूल छोड़ने चले गए थे उसको तो चाय एकदम ठंडी हो गई थी, तो दोबारा से उसको गर्म करके पी रहे हैं आप। तो ये आप भी पीजिए, एंजॉय करिए चाय। तो बस यहाँ मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरे प्लांट्स, देखिए मेरी मीठी नीम बड़ा हो गया है, और अंदर ही रखे हैं प्लांट्स को क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है तो प्लांट्स बाहर ख़राब हो जाते हैं, तो इसके लिए इनको अंदर ही रखना पड़ता है। ये वाला प्लांट तो पूरा ख़राब ही हो गया है, बट बकाया मेरी मीठी नीम बहुत अच्छी है। और अभी टाइम हो गया था बेटू को स्कूल लेने जाने का, तो 11:45 पे उसका स्कूल छूटता है, तो तब तक मेरे बाकी सारे काम कर लेती हूँ मैं, नहा के तैयार हो जाती हूँ। और बस अभी हम उसको जा रहे थे लेने के लिए। कैसे हो आप सब, आई नो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बेटू को लेने के लिए क्योंकि बेटू का टाइम हो गया स्कूल का, वैसे भी आज हम लोग थोड़ा लेट ही हो गए, और आज उसके स्कूल में था वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन, तो हमने उसके लिए गुडी बैग बनाए थे, मैंने आपको बताया, और मैं तो सबके लिए बहुत सारे गुडी बैग बनाए थे, और अभी उसको भी मिले होंगे बहुत सारी गिफ्ट्स, तो मैं आपको दिखाऊंगी क्या मिला उसको। और वैसे यहाँ पर सर्दियों में होती थी स्नो, बट इस टाइम देखिए इस टाइम हो रही है बारिश लगातार, 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। स्नोफॉल तो एक ही दिन हुआ था मेरे सामने, तो उसके पहले एक बार हो चुका था, और अभी तो बारिश ही हो रही है, डेली बारिश हो रही है, पता नहीं क्यों।
बहुत ठंडा है बाहर तो। पांच में तो थोड़ा अच्छा बना सकते। खोलो बेटू, ओपन इट, ओपन। वाओ कार्ड। यस आई हैव। यस और व्हाट्स इनसाइड? अ कैंडी। अ कैंडी मम्मी, अ कैंडी, अ कैंडी। कुकीज दिया था मैम ने खाने को? नहीं दिया था। नहीं। यू वांट टू ईट कुकीज? नो। नो? यस। माय पाय इज फैट पाय। वेट, कार इज कमिंग। ओके। लेट्स गो। You take off. Okay. Who made this? Anka. You made it? Yes. How? Mommy. And a spare. Show me what you got. Show me what you got. Wow. You got present? Yes. Of course, like my present. Thanks. What inside? तो उसको भी कुछ गुडी बैग्स मिले थे जिसमें कार्ड था, और ये उसने स्कूल में बनाए थे दो कार्ड, एक ये मेरे लिए बनाया था उसने, और ये सब, और ये कार्ड उसको मिला था। बकाया कुछ कैंडीज़ मिली थी, ऐसी गुडी बैग्स थे जिसमें चॉकलेट्स ही थी बहुत सारी।
तो बस इसी प्रकार से उसको भी ये सब मिला और मैंने भी उसके लिए दिया था स्कूल में देने के लिए उसके फ्रेंड्स को। तो अच्छा लगता है, वो भी बहुत खुश थी कि उसको इतने सारे गिफ्ट्स मिले, और बच्चे खुश होते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है। और को जो कार्ड मिले थे तो मैंने इस तरह से स्टेपलर कर दिया था, और मैंने उसको एक जो प्ले एरिया है उस वहाँ पर मैंने एक बॉल पे जो भी उसको जो स्कूल से वो क्राफ्ट बना कर लाती है वो सब मैं वहीं लगा देती हूँ। तो इसको स्टेपलर करके मैं वहीं इसको लगा दूँगी। तो देखिए मैंने ये बॉल बनाया है बेटू का, तो ये उसका प्ले एरिया है, वहाँ पे सब उसके टॉयज रहते हैं, तो वहीं पे मैं उसके जो भी वो सब ये सब क्राफ्ट्स हैं ना जो वो सब स्कूल में से बना के लाती है, वो उसको स्कूल में ये सब क्राफ्ट्स बनाए जाते हैं, तो ये सब करती है वो स्कूल में कलरिंग और ये सब। तो बकाया सब मैं इसी बॉल पर उसका लगा देती हूँ ताकि उसको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगता है कि उसने ये सब बनाया। और ये देखिए बिग बॉस, उस दिन बिग बॉस का और सिद्धार्थ जीत गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सिद्धार्थ जीत गया। शहनाज भी जीत जाती तो मुझे और अच्छा लगता क्योंकि मैं शहनाज को सपोर्ट कर रही थी और वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और थैंक गॉड उसका सीरियल आ रहा है तो अभी हम उसको देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और बस ये है मेरा क्लॉजेट, ये है यहाँ पर हम लोग जैकेट्स वगैरह रखते हैं। तो मैं आपको कभी हाउस टूर करवाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि यहाँ पर किस प्रकार से क्लॉजेट होते हैं। और बस यहीं करते हैं ब्लॉग को एंड, सरसों का साग बनाया था तो बस यहीं करते हैं ब्लॉग को एंड, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।